अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं देगी स्टाइल पुलाव। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कर लेंगे मैरिनेशन, जिसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 kg मीट। उसमें मैं ऐड करूँगी 4 tablespoons कर्ड, 2 tablespoons जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 lemon का जूस, 1 tsp सॉल्ट, 1/2 tsp गरम मसाला पाउडर, एंड इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स करके मैरिनेट होने रख देंगे लगभग आधे घंटे के लिए। देन हम इसे शिफ्ट कर लेंगे कुकर में, जिसमें हम ऐड कर लेंगे 1/2 glass वाटर, एंड 1 whistle लेने के बाद इसे लो फ्लेम पे 15 मिनट्स तक के फर्दर कुक कर लेंगे। यहाँ पे ये 3 मैंने खड़े गरम मसाले लिए हैं, जिसे मैंने ग्राइंड करके एक पाउडर तैयार कर लिया था। यहाँ पर एक पैन में हम ऐड कर लेंगे 1/2 cup ऑयल प्लस 2 tablespoons घी। दोनों चीज़ें अच्छी तरीके से गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे 2 large अनियन स्लाइस, एंड इसे हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे। फ्राई करके रख देंगे हम इसे साइड में। सेम ऑयल में हम फ्राई कर लेंगे 4 से 5 आलू, इसे भी गोल्डन फ्राई करके हम रख देंगे साइड में। यहाँ पे मैं ऐड कर लूँगी कुछ खड़े गरम मसाले, जिसकी लिस्ट मैंने साइड में मेंशन कर दी है। देन इसमें मैं ऐड कर लूँगी जो प्याज हमने फ्राई करके रखा था वो, एंड थोड़ा सा मैंने साइड में रख दिया था ऊपर गार्निशिंग के लिए। 1/4 cup वाटर ऐड करके अच्छी तरीके से भून लेंगे। देन मैं इसमें ऐड कर लूँगी 2 tablespoons जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड 2 large टमेटोज चॉप किए हुए। यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली का पेस्ट जो था वो 4 tablespoons ऐड किया था। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरीके से भूनने के बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 tsp गरम मसाला पाउडर, एंड जो धनिया का पाउडर हमने पीस के रखा था उसे, 2 tablespoons दही, एंड सॉल्ट टू टेस्ट। देन हम इसमें ऐड कर लेंगे फ्राई किए हुए आलू, अच्छी तरीके से भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे जो मीट हमने गला के रखा था कुकर में उसे, एंड थोड़ा सा कोथमीर चॉप्ड। देन मैं इसमें ऐड कर लूँगी 6 glass ऑफ वाटर, बिकॉज यहाँ पे मैंने 3 glass ऑफ राइस लिया है, तो उसकी डबल क्वांटिटी में वाटर बॉईल होने देंगे। अच्छी तरीके से इसे ढक के पका लेंगे। देन हम इसमें ऐड कर लेंगे 4 to 5 ग्रीन चिली स्लिटेड। पानी में एक बार उबाल आने के बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे राइस, एंड देन हम इसमें ऐड कर लेंगे चावल का नमक। मसाले में हमने ऑलरेडी नमक डाल दिया था, तो चावल का नमक हम इसमें अलग से ऐड कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, एंड पानी ड्राई आउट होने के बाद हम इसे लगभग 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे दम पर ढक के। यहाँ पे ऊपर से मैं ऐड कर लूँगी थोड़ा सा कोथमीर पुदीना चॉप्ड, एंड जो प्याज हमने बचा के रखी थी ऊपर गार्निश के लिए वो, एंड लास्टली मैं इसमें ऐड कर लूँगी 3 tablespoons घी, एंड इसे रख देंगे हम ढक कर दम पर। इसे गर्मा गर्म कर लेंगे हम सर्व। ऊपर से मैंने थोड़ी सी फ्राइड अनियन एंड कोरिएंडर के साथ इसे गार्निश किया था। आप देख सकते हैं कितना टेम्पटिंग लग रहा है माशाल्लाह। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, एंड इसे और रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।